ये तो सही है, देश में करप्शन और अम्बाला में रश कभी खत्म नहीं हो सकता। बैठे तो पुसेक रहे मामा जी। इतना कुछ हुआ उसके साथ, वो बंदी सब कुछ भूल के अपनी लाइफ में आगे कंटिन्यू कर रही है पॉजिटिविटी के साथ। उसको उसके हस्बैंड को सैल्यूट है, सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट। चलती थी बंद हो जाती थी, बंदी खुल चली नहीं, बाइक रुक गई थी भाई एकदम से। साफ सुथरी प्यारी प्यारी दिल की दुलारी। अब लोगों का रिएक्शन बड़ा अच्छा आते हैं साफ बाइक के लिए ना, देखा कैसे लगते हैं लोग झांक झांक के देखते हैं भैया। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल अगेन। आज है मंडे और वीकेंड हमारा खत्म हो गया, आज से हमारा वही रूटीन शुरू हो जाएगा, ऑफिस ऑफिस ऑफिस। तो मुझे आपसे ना एक बात शेयर करनी थी। मैं अभी ना थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था, अभी मैं साइड में एक वीडियो लगाता हूँ, यहाँ पे आएगी इधर आएगी, देर कितना किधर आ जाएगी, फोटो आएगी। आपने लास्ट मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने नंदा फर्नांडिस के बारे में बताया था कि उसके साथ रेप हुआ, 7 बंदों ने रेप किया था। पर सबसे पॉजिटिविटी मुझे बताऊँ क्या मिली यार, कि वो बंदी नेक्स्ट ट्रिप पे निकल चुकी है, इंडिया को स्किप करके जहाँ तक उसने राइड करनी थी कर ली। आई थिंक वो पहले 6 महीने से इंडिया में ही थी, तो अब वो इंडिया को छोड़ चुकी है और अब वो नेपाल में जा चुकी है, राइड को कंटिन्यू कर रही है नेपाल से। सबसे बड़ी बात यही है कि इतना कुछ हुआ उसके साथ, वो बंदी सब कुछ भूल के अपनी लाइफ में आगे कंटिन्यू कर रही है पॉजिटिविटी के साथ। इंडिया के लिए इतना ग्रज लेके नहीं चल रही कि मेरे साथ लास्ट इतना बुरा हुआ है। वो जानती है इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ शरारती तत्व होते हैं, वो ऐसे हरकतें करते हैं। मैं सल्यूट करता हूँ उस बंदी के लिए कि इतना कुछ होने के बाद भी उसने अपनी लाइफ को कंटिन्यू किया पॉजिटिविटी के साथ, इतनी हिम्मत दिखाई, नेपाल अपना कंटिन्यू कर रही है अपना ट्रिप। उसको और उसके पति को, उसके हस्बैंड को सैल्यूट है, सैल्यूट 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 है। अच्छा लगा मुझे, आज मैं स्टोरी देख रहा था उनकी और उनके स्टोरी में उन्होंने अपडेट दिया कि हम नेपाल में एंट्री कर चुके हैं। मुझे अच्छा लगा, पॉजिटिविटी मिली मुझे आज इससे ना। बताऊँ क्या, लोग इतना बुरा होता है, इतना बुरा होता है, फिर भी लोग ना अपने ना डिप्रेशन में चल जाते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। पर बंदी ने डिप्रेशन क्विट करके बंदी ने आज कंटिन्यू किया। उसने बोला लाइफ रुकती नहीं है, ऐसे होता रहता है, गलत काम होते रहते हैं, लेकिन लाइफ रुकती नहीं रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। जैसे उसने कंटिन्यू किया, हम भी कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं फटाफट से। आज मेरी बाइक बहुत गंदी हो रखी है, मुझे पहले बाइक धुलवानी है क्योंकि सारे हफ्ते मुझे टाइम नहीं मिलता, बाइक धुलवानी है और थोड़ा छोटा मोटा काम भी करवाना मुझे बाइक का, क्योंकि रेगुलर चलती है तो मुझे बाइक का थोड़ा केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं फटाफट से, बाइक भी मिलते हैं। इस पॉजिटिविटी के साथ अपनी पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेके आएंगे और बढ़ाएंगे और चलते हैं, निकलते हैं एक छोटी सी राइड पे। गैस बाइक का हाल देखना कितना बुरा हो रखा है, हर जगह से गंदी पड़ी है, फटाफट जाके ना इसको ठीक करवा के लेके आते हैं। आज मुझे अपनी बाइक को साफ चाहिए, साफ सुथरी। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द माय चैनल अगेन। मुझे पता नहीं मैंने वेलकम बोला कि नहीं बोला। पहले तो इस वीडियो की शुरुआत भाई इस तरीके से करते हैं, सॉरी बोलते हैं फरेंडा को कि इंडिया में आपको इतना कुछ हुआ, और चलते हैं फटाफट से। हम बाइक का थोड़ा काम भी करवाना मुझे, बाइक को थोड़ा दोनों बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे। हट जो, चारों में से एक बंदे ने हेलमेट नहीं डाला था, और देखा कैसे झुंड बना के चल रहे थे। छोटी सड़क है यार, उसमें भी झुंड बना के निकल जाओगे तो भाई चौथे बंदे को जगह नहीं मिलेगी। गर्मी एकदम से ही बढ़ गई है ना, वैसे मैं इस टाइम पे निकलता नहीं हूँ तो मुझे शायद पता नहीं है, पर गर्मी एकदम से ही बढ़ गई है। ठंड के बाद गर्मी एकदम से ही आती है ना, तो भाई ऐसा लगता है कभी कभी ना कि हमने कुछ ज़्यादा ही कपड़े पहने हुए हैं, पर आज मैं शुक्र है एक सिर्फ स्वेटर ही पहन के आऊँ, स्वेटशर्ट पहन के आऊँ बस मैं। भाई ओ भाई मेरे, जगह 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 भाई, टोरा भाई इसका ट्रैक्टर का टोरा। बैठे हो तो पुसेक रहे मामा जी। भाई ये तो सही है, देश में करप्शन और अम्बाला में रश कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा है भाई। अपने को यहाँ से निकल लेना चाहिए, ये ठीक है, वहाँ तो फंस जाएंगे भाई। भाई जाम में खड़े होने का मुझे कोई शौक नहीं है, मैं लंबे रास्ते से निकल जाऊँगा पर जाम में खड़ा नहीं होऊंगा। भाई ये किस चीज़ का लंगर है, इस टाइम पे क्या आता है, और जान दो। ओह कड़ा कड़ी चोल कुछ है क्या आज, पता नहीं किस बात के लंगर है भाई, अपने को पता ही कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी में रोशनी रोशनी हो गई है। सही बताऊं भाई, मुझे दिन में निकलने की आदत नहीं रही है,
नाइट शूट पे चलते ना भाई, मुझे दिन के सूरज की रोशनी तो ऐसी चुभती है ना आंखों में, जैसे पता नहीं क्या हो गया। वैसे अच्छा तो बहुत लग रहा होगा ना, सुबह सुबह के ब्लॉग्स अच्छे होते हैं। आई नो हो गस हो गए पीछे, रिस्की है भाई रिस्की है, एकदम से बंदे का झोंका पड़ता है ना एकदम से आगे हो जाता है, गलत है भाई गलत है। पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए, आज तो मैं करवा के रहूंगा काम पे जो मर्जी हो रहा है। बाइक की दिक्कत थोड़ी ठीक हो गई, थोड़ी सी यहाँ पे ना इसकी वायरिंग में दिक्कत थी, चलती चलती बंद हो जाती थी। लास्ट टाइम देखा होगा आपने मेरे ट्रिप पे, बंद ही खुल चली थी। चलो जी भाई अपनी बाइक तो थोड़ी सी ठीक हो गई है, अब बाइक का एक काम रह गया भाई, बाइक को करानी है वॉशिंग। बाइक रुक गई थी भाई एकदम से, अच्छा मैंने करवा लिया, थोड़ा टाइट वगैरह करवानी थी वायरिंग इसकी, वायर तो हो गई है टाइट। हेलो जी गाइस, बाइक एकदम नई बन चुकी है, नई 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 साफ सुथरी प्यारी प्यारी दिल की दुलारी। खैर साफ सुथरी बाइक होती है ना बहुत प्यार से भागती है, पता नहीं क्या मिट्टी तो रहती है, इतनी किलो किलो मिट्टी चढ़ी होती है ना उसके ऊपर। साफ बाइक चलाने का मज़ा बढ़ाता है भाई, लेट्स गो अब चलते हैं। अब लोगों के रिएक्शन बड़े अच्छे आते हैं साफ बाइक के लिए ना। देखा कैसे देखते हैं लोग, झांक झांक के देखते हैं भैया। खुला है भाई खुला है, इधर से निकल लो, खुला है भाई खुला है, बाड़ा खुला है। ओ, 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 ओ। देखो देखो कैसे भाग रहे हैं, अरे अरे भाई इतनी ड्राइविंग चलाते हैं ना कई बच्चे तो, बस के सामने से ऐसे मुड़ गया। रिएक्शन नोट करो भाई, रिएक्शन अच्छे मिल जाते हैं। साफ सुथरी बाइक होती है ना बहुत प्यारी लगती है, मुझे रॉयल कलर लगता है ये ब्लैक और गोल्ड। पुलिस वाले ने रोकने की बहुत कोशिश करी, पर अपने हेलमेट होता है ना, हेलमेट वालों को कम रोकते हैं। अगर भाई हेलमेट ना होता ना भाई ये रोक के ना मेरा चलान जरूर काटते। सेफ्टी और पुलिस से सेफ्टी बहुत जरूरी है। अरे भाई बंद कर रखे बाहर तो, क्या हाल है जी नमस्ते गली के बच्चे। हाँ ब्लॉगिंग करके आया हूँ।